अपने फ़ोन के लुक एंड यूआई को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो लॉन्चर होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्चर में सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप लोग अपने होम स्क्रीन को किस तरह से कंट्रोल या कस्टमाइज़ कर सकते हो, आइकन पैक को किस तरह से चेंज कर सकते हो, कौन सी विजेट्स, कौन से शॉर्टकट्स अपने होम स्क्रीन पर यूज़ करना चाहते हो, ये सारे कंट्रोल आपके लॉन्चर में देखने को मिलता है। और सभी ब्रांड्स कि जो फ़ोन से जो OEM से उनकी अपनी एक डिफ़ॉल्ट लॉन्चर देखने को मिलता है। आपके फ़ोन की डिफ़ॉल्ट लॉन्चर देखने को मिलता है, उसके अलावा बहुत से थर्ड पार्टी लॉन्चर भी देखने को मिलता है। तो बहुत से लोग नोवा लॉन्चर यूज़ करते हैं। अगर आप लोग पोको लॉन्चर के यूज़र हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मुझे ये लॉन्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लॉन्चर यानी पोको लॉन्चर में मुझे बहुत से बग्स देखने को मिलते हैं और ये अपने किसी भी डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। जो दूसरे ब्रांड्स के लॉन्चर है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, तो हर कंपनी की अपनी एक लॉन्चर देखने को मिलता है। वहीं पर आप लोगों को अगर आप लोग शॉमी की डिवाइस को यूज़ करते हैं, रेडमी, पोको या फिर शॉमी के फ़ोन, तो उसमें आप लोगों को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर देखने को मिलता है। अगर शॉमी के लॉन्चर यूज़ करते होंगे तो मीवाई के लॉन्चर या फिर हाईफोक्स लॉन्चर मिलता है, या फिर पोको के डिवाइस यूज़ करते होंगे आप लोग तो आप लोगों को पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। तो वहीं पर दोस्तों हमारे लॉन्चर में, हाइपर ओएस के लॉन्चर में एक अपडेट देखने को मिला है। आप सबको पता ही है कि हाइपर ओएस 2.0 की अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है और शाओमी उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो शाओमी की जो लॉन्चर हाइपर ओएस लॉन्चर, उसकी बीटा जो अपडेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसे मैंने यहाँ अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर कंपेयर करते हैं हाइपर ओएस 1.0 या फिर 1.5 के लॉन्चर से, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आप लोगों को फ़ोन में किसी तरह कोई भी दिक्कत आती है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसे किस तरह से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पोको वाली डिवाइस है, अगर आपके फ़ोन में पोको लॉन्चर है, तो मैं आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देता हूँ कि आपके पोको लॉन्चर वाले फ़ोन में ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ शॉमी या रेडमी के फ़ोन में लॉन्चर काम करेगा। तो अभी के लिए अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप लोग इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको एज यूजल डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारे चेंज लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप वीडियो पॉज करके सारे चेंज लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो विजुअल चेंजेस देखने को मिले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं शाओमी 12 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं आप लोगों को दोनों डिवाइस में साइड बाई साइड करके दिखाता हूँ चेंज लोग में, तो सबसे पहले हम यहाँ पिंच करते हैं और पिंच करने के बाद जब सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन देखने को मिलता है, ड्रॉप डाउन वाली जो मेन्यू ऑप्शन होता है वो देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर एरो वाला एक बटन मिल रहा है जो हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। वहाँ पर भी सेम ऑप्शन देखने को मिलता है। ट्रांजेक्शन इफेक्ट में जाएंगे आप लोग तो सेम ऑप्शन देखने को मिलता है, कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सेम स्क्रीन देखने को मिलता है पर यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिलता है। सेम ऑप्शन मिलता है, सारे ऑप्शन सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन को रिमूव करके, मतलब कि यहाँ पर हाइड कर दिया गया, अब उसे अंदर डाल दिया गया। अगर आपको ये डिवाइस दिखा दूँ पुराने वाला वर्सन जो है, उसमें आप लोगों को होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिलता था जहाँ पर 4x6 और 5x6 की सपोर्ट मिलता है, यानी आप लोग अपने होम स्क्रीन जो लेआउट है उसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब फिर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, उसके लिए आप लोग को मोर में जाना पड़ेगा। और मोर में जाने के बाद अब आप लोग को वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता होम स्क्रीन लेआउट, अब आप लोग को इस तरह से ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड और डेंस। स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेआउट है वो इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये 4x6 वाला जो स्टैंडर्ड वर्जन है। और अगर 5x6 करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोग को ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिर्फ उसका नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोग को एक मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपकी जो ऐप की शॉर्टकट्स है, पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने फ़ोन को यहाँ पर कस्टमाइज़ या कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। होम स्क्रीन पर अगर आप आइकन को ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई विजिट्स वगैरह को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। जबकि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो अब इसकी जो स्पेस है वो काफ़ी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से आप लोग अपने फ़ोन में शॉर्टकट्स क्रिएट करके या फिर विजिट्स वगैरह को क्रिएट करके अपने होम स्क्रीन को यहाँ पर एक नया अच्छा और बढ़िया से लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग को एनिमेशन में हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ऐसा माइनर से आप लोग को चेंजेस लगेगा, वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी कर। अगर आप लोग बजट रेंज वाले डिवाइसेस या फिर मिड रेंज वाले डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोग को एनिमेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं होगा, कोई ज़्यादा फील आप फोन यहाँ पर नहीं नोटिस होगा। पर आप लोग कोई अच्छे डिवाइस को यूज़ करते हैं, कोई पावरफुल डिवाइस को यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोगों को एनिमेशन में यहाँ पर हल्का सा माइनर सा इंप्रूव होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं ऐप की जो फोल्डर, उस पर अगर आप लॉन्ग क्लिक करेंगे, एडिट फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, तीन ऑप्शन। जबकि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ,
तो ये सब ऑप्शन हमें पहले भी देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आप लोग को रिकमेंडेड की एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपके पहले देखने को नहीं मिलता था। तो यानी इस अपडेट में आप लोगों को ऐड देने की, और यहाँ पर मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अब आप लोगों को और ऐड यहाँ देखने को मिलेगा। तो रिकमेंडेशन आप लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो आप लोग को रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बंद करने के लिए लॉन्ग प्रेस करिए, एडिट फोल्डर ऑफ कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों को Xiaomi यहाँ पर और ऐड अपने फ़ोन की UI में कर रहा है, अपने लॉन्चर की UI में कर रहा है। तो 1.5 या फिर 1.0 की जो पुरानी वाली लॉन्चर है और न्यू लॉन्चर, उसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लगा, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लगा, बस आपको हल्का सा जो है यहाँ पर जो स्पेस दे दिया कम कर दिया गया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं अपने फ़ोन को यहाँ पर अपने होम स्क्रीन को अच्छे तरीके से और यहाँ पर कंट्रोल और कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यही फीचर मुझे अच्छा लगा। बाकी जो सारे फीचर्स आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ आप लोगों का काटा जा रहा है। बाकी अगर आप लोग इसे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, कि आप लोगों ने अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो सिंपली आप लोगों को फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, ऐप में जाना है, मैनेज ऐप में चले जाना है। तो सिस्टम लॉन्चर सर्च करेंगे, क्लिक करके आप यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर देंगे। और दोस्तों याद रहे, इसे अनइंस्टॉल अपडेट करते ही आपकी फ़ोन में जो भी आप लोगों ने अपने होम स्क्रीन पर सेटअप कर रखा है वो सब रीसेट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बीटा अपडेट में काफ़ी सारे बग्स हो सकते हैं, रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी जब आप लोग इसे अपने फ़ोन में अपडेट करेंगे, मैनुअली इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ इस तरह की आपको पॉपअप देखने को मिलेगा, जो आप लोग अपने होम स्क्रीन के लेआउट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग को बताया जा रहा है, पहले से वार्निंग दिया जा रहा है, जो मैंने आप लोग को वीडियो में बता चुका हूँ।